हेलो दोस्तों, दिव्यानीस होम कुकिंग में आपका स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इस सर्दियों में मटर पुलाव की रेसिपी। सर्दियाँ शुरू हो गई है तो बहुत ही फ्रेश मटर आते हैं। गर्मा गर्म मटर पुलाव एक विसल में बनके रेडी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं मटर पुलाव। इस सर्दियों के मौसम में मटर बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आज हमने सोचा कि मटर पुलाव बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बासमती चावल, आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से धो के भिगो देंगे। पुलाव हम बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। इसके लिए हम ले रहे हैं ऑयल, 1.5 स्पून जितना ऑयल लिया है। चावल को हमने अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो दिए हैं। ऑयल के अंदर हम डाल रहे हैं जीरा, ये 1 स्पून जितना जीरा ले लिया है। इसी के अंदर हम ले रहे हैं लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और छोटा टुकड़ा दालचीनी का भी लिया है। लंबी कटी हुई प्याज जो हमने 2 ले ली है। इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं लहसुन, जिसके अंदर मैंने 5 से 6 कड़ी लहसुन ली है, उसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। अदरक को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी छोटा टुकड़ा लिया है। इसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ आलू, जिसके मैंने पीस कर लिए हैं। कटी हुई फूलगोभी, फूलगोभी को भी मैंने 1 इंच में काट लिया है इतना। आलू को भी मैंने सेम साइज रखी थी। इसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मटर, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो मैंने 1 कटोरी लिया है। इधर ले रही हूँ मैं 1 टमाटर, जो मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। इसी के अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून जितना नमक, 1 बड़ी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून जितना गर्म मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं वेजिटेबल का कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसको हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। सब्जी हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे हमारे चावल, जो हमने भिगो के रखे थे। चावलों को ज्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि हमने भिगो के रखे थे तो चावल ज्यादा टूट सकते हैं, इसलिए मैंने 1 ही बार चलाया है। चावल के अंदर हम पानी ऐड करेंगे, जितना माप का हमने चावल लिया था उसी माप से हम पानी ऐड करेंगे। 1 कटोरी चावल मैंने लिया था, तो मैंने 2 कटोरी इधर पानी ऐड कर रही हूँ। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। कुकर की फ्लेम को हमने तेज किया है और इसको एक उबाल आने देंगे। बाद में हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और उसके बाद हमको सिर्फ 1 ही विसल लगानी है। चावल का पानी हमारा उबल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, इसकी 1 विसल ही आनी चाहिए। कुकर का प्रेशर पूरा निकल चुका है, अब हम कुकर को खोल देंगे। आप देख सकते हैं एकदम लाजवाब हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, मटर पुलाव। अब हम इसको एक बार हिला लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम राइस भी हमारे एकदम खिले खिले हैं। पुलाव तो हमारा बन चुका है। इधर हम बना रहे हैं चटपट बूंदी रायता। दही को मैंने ऑलरेडी पहले फेंट के रखा है, इसलिए दही को फेंट लीजिए आप अच्छे से। इसके अंदर हम डाल रहे हैं काला नमक, ये थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा पीसा जीरा, थोड़ा सा डाल देंगे अपना नमक नॉर्मल वाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना रायता हमको खाने में सर्व करना है, उतने में ही हम बूंदी डालेंगे। पहले से आप बूंदी डाल के रखोगे तो आपकी बूंदी पूरी भीग जाएगी और दही आपका सारा बूंदी ही अब्सॉर्ब कर लेगी, इसलिए आप बूंदी का रायता बनाते वक्त ये चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। हम ये छोटी सी कटोरी में बना रहे हैं। इसी के अंदर हमने ले लिया है दही, इसी के अंदर हम डाल देंगे बूंदी। इसके अंदर हमने मसाले वाली बूंदी यूज की है और हमारा रायता आप देख सकते हैं बूंदी वाला कितना अच्छा लग रहा है। और इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। बूंदी रायता हमारा तैयार हो चुका है, अब हम सर्व करेंगे हमारा पुलाव। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला हमारा पुलाव बना है। इसी के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और हमारा रायता रख देंगे। हमारा मटर पुलाव बन चुका है और एकदम टेस्टी लग रहा है। आप सभी भी इसी तरीके से इजी वे में मटर पुलाव बना सकते हैं हमारी रेसिपी देख के। अगर आप स्टूडेंट हैं और घर पे फटाफट कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये एकदम झटपट मटर पुलाव बनके तैयार हो जाएगा।
और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपी जानने के लिए दिव्यानीज होम कुकिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में। बाय।